नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से, और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ सफाई कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में। पिछली कांग्रेस सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जो अब उस पर एक जो दैनिक नवज्योति न्यूज चैनल है, न्यूज समाचार पत्र है, उसका जो जयपुर संस्करण है उसमें एक खबर छपी है या पास में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। खबर की मुख्य हेडिंग है, सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती। तकरीबन 9 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था, और अब इसमें है कि पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क देने वालों को मिलेगी छूट, जल्द नियमों का प्रारूप जारी होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो अब जो भर्ती चल रही थी इसे निरस्त कर दिया गया है, और नए सिरे से नए नियम जारी होंगे, नए नियमों के आधार पर भर्ती होगी। और अब जो इस संबंध में जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा, यूडीएच एंड स्वायत्त शासन मंत्री, उनका एक बयान भी है, यहाँ मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मौजूदा सफाई भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही थी, ऐसे में 2012 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। 2 साल तक सफाई कर्मियों को अस्थायी रखा जाएगा, संतोषप्रद सर्विस होने पर स्थायी हो सकेंगे। ये जो है मंत्री जी का बयान है, और न्यूज़पेपर की कटिंग है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो वर्तमान में भर्ती चल रही थी उस भर्ती निरस्त कर दिया गया है। निरस्त होने का जो है अपने सामने थोड़े दिन में विज्ञापन आ जाएगा कि भर्ती निरस्त कर दी है। नए नियम हैं जो उनका प्रारूप जारी होगा, उसके बाद नए सिरे से भर्ती की जाएगी, नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है और जो आवेदन शुल्क भर दिया है उनको उसमें छूट मिल जाएगी। नए सिरे से सभी, जो ये नहीं है कि पुराने, नए जो हैं उनको भी मौका मिलेगा और वो आवेदन अपना कर पाएंगे। मैं ऐसे ही वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर आप चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई प्रश्न है, राय है, तो कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे जितने भी सोशल मीडिया लिंक हैं, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप ज़रूर उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं सरकारी भर्तियों से संबंधित कोई भी सटीक और सही जानकारी, भर्ती जो संभावित आने वाली भर्ती होती है उससे संबंधित सही और सटीक जानकारी निकालने के लिए RTI का सहारा लेता हूँ। और अगर आपको किसी डिपार्टमेंट से संबंधित सही और सटीक जानकारी चाहिए, क्या जानकारी आपको चाहिए उससे संबंधित, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उससे संबंधित डिपार्टमेंट में RTI डालकर जानकारी निकालने का प्रयास करूँगा और आप तक जानकारी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।